राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, तो आज जानेंगे कि हम जन्माष्टमी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जन्माष्टमी किस दिन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के विशेष कुछ नियम होते हैं जिसका पालन हर व्रती के लिए करना अनिवार्य होता है। जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जला रखते हैं, तो कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के वक्त फलाहार कर लेते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में दो बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन हर घर में बहुत काम होता है। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लोग अपना घर सजाते हैं, तो ऐसे में व्रत करने पर आपका शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत के खान पान को लेकर ऐसी चीज़ें जो आपको ऊर्जा देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। कोरोना के दौर में व्रत भी करना है और इम्यूनिटी सिस्टम का भी मजबूत बनाकर चलना है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे आहार लेना चाहिए कि जो अल्प भी हो और ऊर्जा से भरे पूर हो। इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले आपको एक मुट्ठी बादाम या अखरोट खा लेने चाहिए। इससे आपको कुछ जरूरत भर की एनर्जी भी मिलेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। फलों का सेवन, जन्माष्टमी के व्रत में खूब फल खा सकते हैं। रसीले फलों के सेवन से आपके शरीर में पानी कमी नहीं हो पाती, जिस वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता। जन्माष्टमी के व्रत में आप तरबूज, ककड़ी और खरबूजे जैसे अधिक पाने वाले फलों का सेवन करें तो अवश्य आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप केला, सेब और अमरूद भी खा सकते हैं, ऐसे फल आपको अधिक समय तक भूख नहीं लगने देंगे। दही की लस्सी, कान्हा जी को छाछ और दही अति प्रिय माना जाता है। आप चाहें तो जन्माष्टमी के शुभ दिन अपने ही परिवार के सभी सदस्यों को एक गिलास लस्सी देकर व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लस्सी पीने से आपको व्रत में अधिक प्यास नहीं लगती और आपका पेट भी भर जाता है, आपको बार बार भूख भी नहीं लगती। खाना और कुट्टू का आटा, जन्माष्टमी के व्रत में जो लोग फलाहार रहकर व्रत करते हैं वे दिन में या शाम को ये वक्त साबुदाने की खिचड़ी या फल कुट्टू के आटे की पूरी बनाकर खा सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी हल्की होती हैं और पेट भी भर जाता है। व्रत तोड़ने के लिए क्या खाना चाहिए जब व्रत का पारण करना हो। हमें व्रत पूर्ण होने के बाद जब पारण करने का वक्त आए तो आपको अचानक से बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपको गैस बन सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले गुड़ और पानी या फिर घी जैसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे दोस्तों।